हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए निखिल अरोड़ा। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बैच 12th क्लास बीएससी। ये वीडियो बेटा स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है या तो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव लेक्चर ज्वाइन नहीं कर सकते या ज्वाइन करें लेकिन कुछ कंसेप्ट मिस हो गया, इंटरनेट इशू था, घूमने जाना था, दावत पे जाना था या किसी के साथ फोन पे बिजी था। प्यारी समझ गई। कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है ना, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होने चाहिए। जब मन करा रिवाइज करो, जिस स्पीड पे मन करा उस स्पीड पे आप इससे आप रिवाइज कर सकते हो। ये वीडियो है मैक्सिमम 20 मिनट्स की लेंथ में देने वाला हूँ। इससे ज्यादा बच्चा सुन के रेडी नहीं है आज के दिन। आप बच्चे इंस्टाग्राम चला लो एक घंटा तब नहीं थकते, रात को दो दो घंटे बातें कर लो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब बातें सीखने समझने की आते हैं बच्चा 20 मिनट में थक जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को 20 मिनट का ही लेक्चर रखने वाले हैं। लेकिन मेन पॉइंट बेटा, इस 20 मिनट के लेक्चर्स में भी मैं आपको पूरी बीएससी कंप्लीट करा दूंगा, एक भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होगा, ये बेटा मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले जल्दी से डिस्कशन करते हैं जो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे, फिर ये नेचर और सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है। नेचर का मतलब होता है फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स, वो भी समझेंगे मैनेजमेंट के क्या फीचर्स क्या करैक्टरिस्टिक्स है, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा मैनेजमेंट की। पहले सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसे कहते हैं। बेटा जिसने मैनेजमेंट करना सीख लिया ना उसकी ज़िंदगी सेट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया ऐसी क्या चीज़ है मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट एक ऐसी कला है कि आप दूसरों से काम करवा रहे हो और दूसरों से काम इस तरीके से करवा रहे हो कि आप अपने खुद के गोल्स अचीव कर रहे हो, वो भी अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेटा जिसने दूसरे लोगों से काम निकालना सीख लिया ना उसकी लाइफ सेट है। लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत की बात है दूसरों से काम कराना, और मैनेजमेंट आपको वही सिखाता है। क्या है भैया, चलो एक लाइन पढ़ते हैं फिर उसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और समझते हैं। बेटा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किस चीज़ का, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने का, वो भी काम इस तरीके से करवाने हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें बेटा तीन पॉइंट याद रखने हैं, प्रोसेस का मीनिंग क्या है, अफेक्टिव का मीनिंग क्या है और एफिशिएंट का मीनिंग क्या है। भैया प्रोसेस का मीनिंग क्या है, बेटा याद रखना बीएससी के जो पांच चैप्टर है वही ये उन पांच चैप्टर से मैनेजमेंट का प्रोसेस बना हुआ है, वो हम पांच चैप्टर अच्छे से पढ़ ही लेंगे तभी उसे अच्छे से इवेल्यूएट कर लेंगे। क्या है भैया ये, बेटा ये पांच किन चीज़ों से बना है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट पांच चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, ये है प्रोसेस। मेन पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बनेंगे या जो आपको याद रखना है, अफेक्टिव एंड एफिशिएंटिव का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना राइट टाइम पे, पूरा फोकस काम को कैसे कंप्लीट करना है राइट टाइम, जो हमारा टारगेट है वो सही समय पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट पे। बेटा जब आप काम राइट टाइम और मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करोगे तभी हम मानेंगे कि आपने सही से मैनेजमेंट अप्लाई करा और आपका गोल एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हुआ है। इस पे एक बात एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट किया, निखिल एसोसिएशन हमारी खुद की एसोसिएशन है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें एक महीने में 100 टी शर्ट बनानी है और वो टी शर्ट की जो कॉस्ट आनी चाहिए पर टी शर्ट वो आनी चाहिए 200 रुपीज़ पर टी शर्ट। ठीक है, मैंने ये टारगेट अपने एम्प्लॉयज़ को दिया। ओके भैया, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एक महीने में फॉर एग्जांपल 100 टी शर्ट बना दी, वो भी किस रेट पे, 200 रुपये के रेट पे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरा मैनेजमेंट है, मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाया अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हाँ या ना। अरे हाँ भाई हाँ, नो डाउट भैया हाँ, मैंने टाइम पे भी काम करा और मिनिमम कॉस्ट पे भी करा। अब एग्जांपल को चेंज करते हैं, मैंने कहा मैंने टारगेट सेम दिया था 100 टी शर्ट बनानी है एक महीने पे और कॉस्ट आनी चाहिए 200 रुपये। मेरे एम्प्लॉयज़ ने 100 टी शर्ट बना तो दी एक महीने पे, लेकिन दिन रात लगे रहे, पागलों की तरह काम करे जा रहे, दिन रात काम काम, और जो खर्चा हो वो 200 रुपये की जगह हो गया 250 रुपये, 250 रुपीज़ पर टी शर्ट। तो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है। तो बेटा उसका आंसर आएगा नो, मेरे एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज़ अफेक्टिव हैं, काम राइट टाइम पे कंप्लीट हुआ लेकिन एफिशिएंट नहीं है।
तो बेटा हम यहाँ पे पेपर पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टिव या एफिशिएंट। तो एक लाइन याद रखनी है, अफेक्टिव मतलब राइट टाइम, एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट। और बेटा पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है उसमें एक आपको एग्जांपल ड्राफ्ट करके दे देते हैं, उसमें ये कह देते हैं फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि वो बंदा एफिशिएंट नहीं था और अफेक्टिव के लिए क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि अगर जिस चीज़ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो उस चीज़ को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो अचीव हो गया था या नहीं। तो उसका आंसर है येस, आप उस चीज़ को प्रिज्यूम कर लोगे अगर उन्होंने ये तो दे दिया, उन्होंने कॉस्ट का डाटा तो दे दिया कि हमें 200 रुपये में बनानी चाहिए थी, हमारे 250 रुपये लगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बताया कि कितने टाइम में बनानी चाहिए थी और कितने टाइम में बनी। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उसने टाइम पे तो काम कर ही लिया होगा, वो इफेक्टिव तो होगा लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। ये आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, तो ध्यान से याद रखना। और बेटा जो मैंने ये दो लाइनों में आपको कंसेप्ट समझाया, इसी चीज़ पे जो ऑथर्स हैं वो दो दो पेज भर देते हैं, स्कूल में टीचर्स दो दो पेज लिखवा देते हैं। तो बेटा मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा जहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन बंदा इफेक्टिवली काम करता है और कौन इनएफिशिएंटली काम करता है। Say anything faster than you. आज एक और छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, वो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, 7 फीचर्स हैं, जल्दी से कर लेते हैं। भैया कौन कौन से फीचर्स हैं? बेटा जैसे आपने सुना होंगे मेरे दो अनमोल रतन, सुने गाना? हाँ भैया सुना तो है शायद। बेटा ऐसे हमारे BSc के 3 अनमोल रतन हैं। भैया कौन कौन से 3 अनमोल रतन हैं हमारे BSc के? बेटा ये 3 अनमोल रतन BSc के ऐसे हैं जहाँ पे भी फीचर्स पूछेगा वो किसी कंसेप्ट के, बिना सोचे समझ के आग बंद करके भी लिख देना, रात को कोई आपको जगा के भी पूछे ना BSc के बारे में, तो बस ये 3 अनमोल रतन याद आने चाहिए। क्या है भैया वो 3 अनमोल रतन? बेटा जो मेरा मैनेजमेंट का पहला फीचर है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। अगर आप कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो आपको गोल्स टाइम पे आप अचीव कर पाओगे। आपके गोल सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरा निखिल एसोसिएशन का गोल ये हो सकता है कि हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो 10,000 करोड़ कमाना है अगले साल। हम छोटे मोटे गोल नहीं रखते, कितना कमाना है 10,000 करोड़। या मेरा ये गोल हो सकता है कि अगले साल जो मुझे अपनी सेल्स है वो 50% इंक्रीज करनी है। तो ये एक एग्जांपल हो गया सेल्स गोल का, और पहला फीचर हो गया मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बाकी दो अनमोल रतन, सेकंड अनमोल रतन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। भैया ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? बेटा प्रवेसिव वर्ड बार बार आएगा तो ध्यान से समझ लेना। प्रवेसिव का मतलब इट इज़ ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल का मतलब मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह लगेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, हर एक जगह लगता है। चाहे आप स्कूल रन कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, चाहे आप एक बड़ा बिजनेस हाउस रन कर रहे हो, कुछ भी रन कर रहे हो, हर एक जगह काम को प्रॉपरली मैनेज करना ही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर एक जगह अप्लाई होता है। तो ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, थर्ड वन मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा जो एक मैनेजमेंट है ना उसे ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार गोल अचीव हो गया काम खत्म, अगले साल के लिए हम नया गोल नहीं बनाएंगे। अंबानी जी का गोल था कि भाई मुझे जियो कि जो कस्टमर हैं वो 40-50 करोड़ करने हैं, वो अचीव हो गए, तो अब क्या अंबानी जी सो जाएंगे? नहीं। अंबानी जी एक गोल को अचीव करने के बाद फिर नए गोल बनाएंगे, उसके लिए नए प्लान, नई ऑर्गेनाइजिंग, नई स्टाफिंग, नई डायरेक्टिंग, नई कंट्रोलिंग करेंगे। बेटा ये ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। एक बार अचीव हो गया ये नहीं कि आप शांति से बैठ जाओगे, इसे आपको बार बार क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना। बाकी बेटा अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आती है केस स्टडी, लिख लेना। क्या है भैया? बेटा नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, अडेप्टेबल। बेटा हर एक को अपनी लाइफ में डायनेमिक होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए।
अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो आप लाइफ में कभी भी ग्रो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक समय 2005 और 6 का समय था, नोकिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बिकते थे और आज के दिन उस कंपनी को कोई पूछता भी नहीं है। अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्या हुआ, बेटा उसने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा। जो नोकिया का CEO था उसके लास्ट वर्ड ये थे जब कंपनी बंद हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आया कंपनी क्यों डूबी, हमने सब सही करा था। तो बेटा उसका उसको हम आंसर दे सकते हैं, आप बच्चे आंसर दे सकते हो, उन्होंने एक कंसेप्ट फॉलो नहीं करा डायनामिक। उन्हें ये बताने की ज़रूरत थी कि उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना था, इसलिए कंपनी पीक में पहुंचने के बाद भी डूबगी क्योंकि उसने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा। बेटा मेरी आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को अपडेट करते रहा करो, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। और इसका एक एग्जाम्पल मैगडी का याद रखना बेटा, मैगडी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसे इंडिया में सर्वाइव करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ा था। भैया क्या चेंज लेके आए थे वो, बेटा उन्होंने अपने मेन्यू में आलू टिक्की इंट्रोड्यूस करी थी। आलू टिक्की, हम इंडियंस को आलू टिक्की बहुत पसंद है ना, तो उन्होंने आलू टिक्की इंट्रोड्यूस करी थी। आलू टिक्की इंडिया के कारण ही आई है। और बेटा ये सच्चाई है, जब हम इंडियंस इंडिया के बाहर जाते हैं ना तो वहाँ मैगडी में ये पूछते हैं, भाई मैगडी में जाके क्या आलू टिक्की बर्गर है या नहीं है। तो ये है डायनेमिक का कंसेप्ट, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज केस स्टडी। और नेक्स्ट पॉइंट जिस पे केस स्टडी बनती है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। भैया व्हाट डू मीन बाय इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब जिसे देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं। भैया कैसे महसूस कर सकते हैं, तीन पॉइंट याद रखने हैं। जब आपके टारगेट्स टाइम पे अचीव हो रहे हों, जब आपके एम्प्लॉइज खुश हों, जब सब कुछ ऑर्डर लाइननेस में हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तब हम कहेंगे कि मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है। उसे देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। इन तीन पॉइंट को याद रखना, इन पे केस स्टडी आती है, वो इन तीन में से एक पॉइंट दे देते हैं और कहते हैं आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सा फीचर लग रहा है। और इसके अलावा दो और हैं, मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी और मैनेजमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी बता दूं बेटा, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विजुलाइज करो, रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्फोसिस है, एयरटेल, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो सबकी नीड्स अलग हैं, सबकी वॉन्ट्स अलग हैं, सबके कल्चर अलग है। एक तो आया है साउथ साइड से जिसे क्या पसंद है सांभर इडली, एक आया नॉर्थ साइड से जिसे क्या पसंद है उसे तो भटूरे खाने हैं ना, और वो एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके बीच में ऐसा लिंक बनाना कि उनके गोल्स भी अचीव हो और कंपनी के गोल्स भी अचीव हो, इसके लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट एक ऐसा काम करेगा, ये जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं, ये उसे एक तरीके से इंटीग्रेट कर देगा इस तरीके से, जिससे कि उनके भी गोल्स अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं। आज हमने बेटा मैनेजमेंट का मीनिंग और मैनेजमेंट का मीनिंग के बाद हमने मैनेजमेंट के फीचर्स समझे हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बेटा कंसेप्ट को समझने के बाद हैंड रिटन नोट जरूर बना लेना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। हम चैप्टर खत्म होने के बाद केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करेंगे, मैं आपको सब सॉफ्ट कॉपी में दूंगा, लेकिन आपको मैं जितना करा रहा हूँ आप उतना समझना। हमारा जो कंसेप्ट है कि मिनिमम टाइम पे आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगे, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय।